तो आ गए आप सब। चलो शुरू करते हैं। ये हम क्लास में घुस चुके हैं जहाँ एक बच्चा मुझे घूर रहा है चश्मे पहन के। अबे दूं क्या एक कान के नीचे रख के, डबल बैटरी कहीं का। तो बात हम करते हैं आज हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के स्टेट में भी अब स्कूल खुलेंगे, री ओपन हो गए। जो ये डिजिटल लर्निंग हो रही थी इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं। बच्चों को तो साफ पता होगा, खोल के छोड़ देते हैं और घूम ही आते हैं कहीं। इतने क्लास चलती रहती है, अटेंडेंस लगती रहती है, क्लास बड़ी खाली खाली सुनी सुनी लगती है। ऊपर से बोर्ड पे भी कुछ लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। 15 अक्टूबर से हरियाणा स्टेट में खुल चुके हैं स्कूल। अब पता नहीं खुले नहीं खुले, आज तो ज़्यादा हो गई तारीख, पर कोई नहीं। पर एक चीज़ है जो मेन चीज़ आ रही है जो ओपन होने के बाद हो रही है कि वो ये इस पर प्रिकॉशन नहीं लिए जा रहे ज़्यादा हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर माने कि ज़्यादा वो टेस्ट नहीं हो रहे, कि हेल्थ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा एक्शन में नहीं है। उसके लिए रिपोर्ट की गई है, पर वो भी ठीक हो जाएगा जिससे रीओपनिंग के बाद कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। मतलब कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी को कोविड नहीं होगा। इसको बचाने के लिए एक एक सीट दूर बैठा हुआ है, पर उस बच्चे को देखो कैसे घूर रहा है। अबे दूं क्या तुझको भी एक। तो छोटे बच्चों के लिए नहीं खुला है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए खुलना भी नहीं चाहिए। 9th से 12th बच्चों के लिए खुला हुआ है। तो इसी बात पर सब्सक्राइब ठोको।